एक कॉल भी है, वो ले ले। अस्सलाम वालेकुम वरदा जी। अस्सलाम वालेकुम वरदा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अरे ठीक ठाक, मेरे साथ इतने बड़े बड़े हमारे स्टार्स बैठे हुए हैं, मरियम जी बैठी हुई हैं, किस्मत के कॉल ले रहे हैं हम लोग साथ साथ। क्या पूछना चाहेंगी? मैं मरियम जी से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त है। क्या है? कौन सा फील्ड? 11 अगस्त। अच्छा, 11th अगस्त। जी 11th अगस्त। तो मुझे कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए ताकि मैं सक्सेसफुल हूँ? अभी आपको बताते हैं। 11th अगस्त अगेन लियो स्टार, वेरी लियो। जितने भी लीडर्स हमारे, मुशरफ का भी 11th अगस्त था। ये ज़्यादातर लीडरशिप और आपको पर्टिकुलरली जो लेना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स से लेना चाहिए, पीआर, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, इस तरह का करियर ले आप। गुड। कुछ और पूछना चाहेंगी? हमारे गेस्ट भी बैठे हैं, उनसे कोई बात करना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूं। हाँ हाँ, मोबाइल फोन है। हाँ, मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप में बहुत फर्क जाया था, और इसके अलावा फ्रेंड्स को बहुत प्रोटोकॉल देनी पड़ती है, और अगर कभी कभी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ, बस फिर इसी तरह महंगी पड़ जाती है। महंगी बढ़ जाती है, सही कह रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। हम आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। आयशा भी है मुल्तान से, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ आयशा, इतना तो तुम भी समझो आयशा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आयशा। एनीवे, आयशा ने हमें डिश कर दिया। और अच्छा, मुट्ठी भर चावल फिल्म, उसके बाद आपने खुद ड्रामा इसको डायरेक्ट भी किया, रेशम जी को लिया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा रेशम के साथ? उन्होंने काम पूरा ठीक ठाक बराबर किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। और मुझे याद है बहुत मेहनत कर रही थी कि नहीं, विदाउट मेकअप है। हाँ। वाइट कॉस्ट्यूम्स उनके कुछ ज्यादा होते थे कपड़ों में। और कुछ बताए ना, अच्छा रेशम ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो हिट तो थी सीरियल ही, तो क्योंकि चल भी गई माशाल्लाह। पहले मीरा थी इसमें। अच्छा, और 12 सीन करने के बाद रिटेक किया था। मैं एक साथ ही उसको शूट कर रही थी। हाँ। तो एक दिन शूट करके वो कहीं अचानक ही कराची चली गई। हाँ। वो 5-6 दिन के बाद आई, और जिस दिन आई उस दिन फिर शूट रखा। तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो रोल के अंदर आ रही है। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं फील हुआ? पता नहीं, यहाँ जो मैं चाह रही थी वो नहीं हो रहा। कितना बड़ा था। सारा दिन काम करने के बाद शाम को बस मीटर घूम गया, जाके खेतों के बीच में सर पकड़ लिया। मैंने कहा क्या करूं मैं? आप तो, हाँ, आपको तो फिर कोई दुख मिल जाए या टेंशन मिल जाए। फिर वो इतनी सुपरहिट फिल्म थी, और एज ए आर्टिस्ट भी वो बड़ा, मतलब मुट्ठी भर चावल मेरा पहला ड्रामा था टीवी का। जी जी बिल्कुल। मैं चाहती थी बिल्कुल प्रॉपर हो जो मैं चाहती हूँ। बहुत हिट, बहुत अच्छा। हाँ, फिर मैंने रेशम को कॉल की उसी वक्त, लेकिन वो थ्रू आउट पूरे सीरियल में उसने बहुत अच्छा काम किया। टाइम पे आना, यही चीजें होती हैं। यही तो, और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप काम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। नादिया की कॉल है। नादिया कैसी हो? आपने दोस्ती का जो टॉपिक छेड़ा है उसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती ऐसी चीज है जो एक अनमोल तोहफा खुदा की तरफ से हमें मिला हुआ है। जी। वो दोस्त ही ना होगा जो हमारी दोस्ती हमें महंगी पड़ जाए। अरे वाह, उसमें हम ना अपने घर का रास्ता दिखाते ना हम कोई चीज दिखाते। मैं अपना सच्चा वाक्य आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं और मेरी दोस्त बिल्कुल बचपन में बिल्कुल पक्के दोस्त थे। अच्छा। मगर एक छोटी सी बात पे हमारी नाराजगी हो गई, मगर हमारे फैमिली को पता था कि कुछ हुआ है। तो हमारी फैमिली ने सरप्राइज डिनर हमारे लिए रखा था पीसी चांदनी, उस पे चांदनी पे, चांदनी बार जो ऊपर है। जी, हमें दोनों को नहीं पता था। हाँ, मेरी शादी को भी अभी 22 साल हो गए, उसकी शादी को 22 साल, वो भी वेलकम है। मगर वो जो हमारा मूवमेंट था हमें फैमिली को मिलाना, क्योंकि वो दोस्ती वही चीज़ होती है जो आपके फैमिली को भी पता हो कि आपके फ्रेंड्स कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को ही आप दोस्ती कह सकते हैं। खाली एक इंडिविजुअल के साथ दोस्ती नहीं होती। तो आपको तो दोस्ती बिल्कुल भी महंगी नहीं पड़ी, और आप बिल्कुल भी नहीं, दोस्ती को महंगा कहना मीन्स के दोस्ती के नाम पर थप्पड़ मारना। क्या बात है,
और आप समझती हैं कि दोस्ती जो है चाहे इस जमाने की हो या पहले की दोस्ती, दोस्ती 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 अभी से नहीं है, दोस्ती तो बाबा आदम के जमाने से है। क्या बात है, बहुत उसको कोई चीज भी महंगी कह के उसकी उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा व्यू है। और मेरी मरियम जी से भी बात करनी, मरियम जी से याद होगा कि मेरी बेटी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें एक स्टोन दूंगी, वो मुझे अभी तक तो नहीं मिला। नहीं, इन्होंने मेरी ईमेल एड्रेस, मुझे आपका ईमेल एड्रेस भी नहीं मिला। आप ईमेल एड्रेस अगर स्क्रीन पे चला दें, आप ईमेल पे लिखें, अभी हम आपको स्क्रीन पे आप जब कॉल और नंबर भी लिख लें, उस नंबर पे फोन आप कर लें शो के बाद। थैंक यू। और अपना एड्रेस लिखवा दें हम आपको। वेडिंग मेरी बेटी के लिए कहते हो उससे वो इतनी, क्योंकि अभी 28 को उसका बर्थडे, 28 जनवरी। हाँ, आई नो। आप प्लीज ये नंबर पे फोन कर लें, मेरे ऑफिस का नंबर है, या ईमेल, उनको फोन कर लें, वो आपको टीसीएस कर देंगे। थैंक यू मरियम जी। अच्छा, मैं अपने बारे में पूछ लूँ आपसे? जी, मेरा बर्थ 16th अप्रैल 1970 अप्रैल जी। और क्या पूछना चाहेंगी? बस अपने बच्चों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। और आप जल्दी से जाके ईमेल और नंबर चल रहा है, आप स्क्रीन पे जल्दी से देखिए और नोट कीजिए। दो मिनट रुका के रखेंगे फोन, मैं नहीं रुका के रखती हूँ, भाग के जाए जल्दी। थैंक यू फॉर योर कॉल। ओके ओके ने बता दिया। हाँ, स्क्रीन पे चलते रह दीजिएगा क्योंकि जो है इन्होंने। अच्छा, ये इनका 16th अप्रैल इज एरीज है। एरीज आर वेरी इमोशनल और बहुत ज़्यादा ये फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। और इनका जो की क्वेश्चन हर सेल्फ, इनकी सारी जो लाइफ है ना वो फैमिली के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और इनके बच्चों का करियर भी आगे अच्छा है। स्लाइटली स्ट्रेस को ये बहुत ज़्यादा लेती हैं, कभी कभी एंगर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है उसके लिए। या हलीमो, और एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं एमिथिस्ट, हालांकि ये इनका बर्थ स्टोन नहीं है, उसको हाथ में रख के या हलीमों का विर्द करें, इससे एंगर मैनेजमेंट को भी। अरे वाओ, ठीक है ना नादिया जी, ये तो अच्छा हो गया। अब वक्त हुआ चाहता है हमारी छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारे साथ बैठे हमारे स्टार्स और हम ले रहे हैं किस्मत की कॉल। टेक अ ब्रेक। फिजा